देखे हैं कि महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने अब सब भी कहा, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को गरीबों को आरक्षण मिले, उसी पार्टी के हिंदुस्तानी मोर्चा सेक्टर के तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपने सभी साथियों के साथ आप सब देश में भाइयों का स्वागत करते हैं। आज दीपावली की शुभ वेला पर आप सबको शुभकामना और आपके माध्यम से पूरे बिहार और भारत वर्ष के सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली इस तरह से रंग त्योहार है और शांति और सद्भाव से और बीते और लोग इस त्योहार पर जिस तरह से हम लोग ज्यारा करते हैं, सब घर की सफाई करते हैं तो मन की सफाई होती है और एक आयुर्वेद के रूप में मनाया जाता है, जैसे हम लोग सभी स्वस्थ रहें। दीपावली के इस पर्व पर हम अपनी पार्टी की तरफ से इतना आप सबका धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और आज का प्रेस वार्ता का मकसद सिर्फ यही है कि अभी हम लोग की जो राजनीतिक घटनाएं घटी है, जिस हिसाब से आपने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय सीता राम मांझी जी को सदन में इस तरह से तुम तलाक की भाषा बोली गई थी, जो आज के समय में बिहार विधानसभा में आदरणीय श्री जीतन राम मांझी सबसे सीनियर मेंबर और उनका कार्यकाल सबसे लंबा है और उसके साथ साथ बिहार के विभिन्न पदों पर संवैधानिक पदों पर रहे हैं और एक गरीब समाज से आते हैं जो संघर्ष करके इतना बड़े हैं, उनका संघर्ष अपने आप में एक किताब है। और इस संवैधानिक संस्था में परंपरा में मुख्यमंत्री के पद को उन्होंने सुशोभित किया है, लेकिन जिस तरह से एक अपमान बोला किया गया, जो उम्र में भी छोटे हैं और राजनीतिक जीवन में भी जो उनका कैरियर उस हिसाब से भी छोटे हैं, लेकिन कुछ भी रहे, लेकिन भाषा की मर्यादा को जिस तरह से उल्लंघन किया गया, तार तार किया गया, हम लोग आहत हैं और महत हैं और आपके माध्यम से हम सभी लोगों को, खास करके दलित भाइयों को जो गरीब भाई है, उनको हम कहना चाहते हैं कि आज अब सही समय आ गया है कि जब एक इतने सीनियर व्यक्ति जो कि दलित समाज से ही नहीं, पूरे इस राज्य के सभी संसदीय जो हमारे बिहार विधानसभा के सदस्य में सबसे सीनियर मेंबर है, जितना इतना कार्यकाल है, उनकी अस्मिता और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनको ये दिखाने की कोशिश किया जाता है कि तुम कमजोर हो, तुम नीचे हो, तुम बोल नहीं सकते हो, तो ये इस तरह की मानसिकता लगता है राज में। जब सदन में इतने बड़े नेता सुरक्षित नहीं है, उन गरीबों का क्या होगा जो गांव में रहते हैं, जो रोजी रोटी के लिए रोजी रोटी के लिए जी दो मेहनत करते हैं, उनके ऊपर क्या अत्याचार होगा। जो राज का मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे तो उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो है वो किस तरह की भाषा बोलेंगे और किस तरह से अत्याचार किया जाएगा, इसी के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। और हम लोग विभिन्न माध्यमों से कल हमारे पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और हम लोग और भी इस तरह की आवाज को बुलंद करेंगे, गरीबों के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई जीतन राम मांझी की नहीं है, ये लड़ाई एक एक गरीब व्यक्ति की है, एक एक दलित व्यक्ति की, एक एक अल्पसंख्यक अति पिछड़ा पिछड़ा व्यक्ति की है। और ये लड़ाई में हम लोग जो लोकतांत्रिक परंपरा है, जो 24 का चुनाव है, 25 का चुनाव है, उसमें सबक सिखाने का काम करेंगे, लोगों को एकजुट करने का काम करेंगे, इसी के लिए हम लोग आज सब आ सकते। तो जो मांझी जी ध्यान दिए नीतीश कुमार को केला भोजन कराया जा रहा है, क्या आपकी मांग? देखिए, इस बात से हम सहमत नहीं है, ना ही मेरी जानकारी है कि क्या दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इस बात से हम जरूर सहमत हैं कि जिस तरह से एक्ट है उनका, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से शब्दों की मर्यादा को खो देते हैं और बात करते करते इतने गुस्से में हो जाते हैं, लगता है कि किसी को मारने लगेंगे, तो लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, कुछ उनको मेडिकल इशू है। और हम तो चाहेंगे, एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार का मुख्यमंत्री कोई एक व्यक्ति का कोई सगा संबंधी नहीं होता, मुख्यमंत्री बिहार के हैं, और अगर उनके साथ कुछ होता है, उनका इस तरह से एक्ट होता है, तो पूरे बिहार के बदनामी होती है। तो हम तो समझेंगे अगर ऐसी कुछ परेशानी है तो उनको मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, मेडिकल उनको बुलेटिन जारी करानी चाहिए। और देखे हैं कि महिलाओं पर किस तरह से उन्होंने अब शब्द कहा, और ऐसे बहुत सारा इंस्टांस है, जब से महागठबंधन की सरकार नहीं अपने आ करके बहुत माननीय महामहिम महोदय आई थी, उनके समक्ष और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ बातें बोल देते हैं जिससे गठबंधन को नहीं पूरे राज्य को शर्मसार होना पड़ता है। हम समझते हैं कि कुछ मेडिकल इशू होंगे, इस बात को मैं नहीं कह सकता है क्या हुआ ना कोई क्या कर रहा है, बाद में कोई तथ्य नहीं है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ न कुछ परेशानी है। लैंड फोर्ट फयार निकलने जा रहे हैं,
देखिए हम लोग ऐसे कोई मंशा नहीं है, हमारे पार्टी में कोई वर्कर और कहीं से कोई कर देता है उस पर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ कि हम लोग इस बात को ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि उन्होंने जो एक्ट किया है पूरे देश देखा है, पूरा राज्य देखा, राज्य की एक एक जनता ही जवाब देगी, क्योंकि एक लड़ाई जितना मानिक उन्होंने नहीं नहीं बोला, पूरे दलित समाज को बोला, दलित समाज का एक एक व्यक्ति समझ रहा है कि बिहार राज्य की क्या स्थिति, हमारी क्या स्थिति है। आप देखेंगे कि हम जब हमारा संविधान बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बैकवर्ड क्लास बोला, बैकवर्ड क्लास उन्हीं लोगों को बोला गया जो शैक्षणिक आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा है। हमारे संविधान बना, हमारे आर्टिकल्स बने, हमारे आर्टिकल्स में से प्रावधान किया गया, हम जिस गांधी जी को हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मानते हैं, उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 46 आर्टिकल्स बना, जिसमें ये कहा गया कि हम उनकी शैक्षणिक आर्थिक और उनको प्रमोट करेंगे, उनको सहायता करेंगे, सेफ गार्ड करेंगे, ताकि उनके साथ इनजस्टिस नहीं हो। लेकिन उन्होंने सदन में नीतीश कुमार जी ने इनजस्टिस किया और उस तरह जो भाषा की, आप बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं बुझा था, हम पागल थे जो आपको बनाया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट खुद दिया कि हम उस समय भी पागल थे कि जितना मानी को बनाने, तो पागल खुद कोई व्यक्ति बोल रहा है तो संविधान में भी लिखा हुआ कि जो व्यक्ति पागल हो जाए उसको कोई पद नहीं रहना चाहिए। तो हम समझते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में है उसका भी उल्लंघन उन्होंने किया है, तो संज्ञान लेना चाहिए महामहिम को, यहाँ महामहिम को, और हम तो आग्रह करेंगे कि उनके जो शुभ चिंतक है उनको भी देखना चाहिए, अगर इस तरह का एक्ट और आगे जाते रहे जनता दल यूनाइटेड को हानि होने। ये जो आरक्षण का भी पास वो कहा जा रहा कि नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक किया। देखिए ये जो आरक्षण की बात जहाँ तक है तो कहाँ कोई विरोध कर रहा है, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को, गरीबों को आरक्षण मिले, उसी सहारे वो आगे बढ़े, हम लोग तो उसके पक्षधर हैं और हम लोग उसका फायदा भी कहीं ना कहीं उठाएं, तो हम उसका विरोध करेंगे। हम लोग तो मांग रहे हैं कि जिसका जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हम लोग चाहते हैं कि जिसको अगर हमारी संख्या, हम SC ST की बात करते हैं, अगर हमारी संख्या 19.5 है SC की, तो हमको उस हिसाब से मिलना चाहिए, किसी भी समाज के किसी लोगों को है तो मिलना चाहिए। हम लोग आरक्षण का सपोर्ट करते हैं, अब सपोर्ट में ही हम लोग बात कर रहे थे, हमारे संरक्षक महोदय ने बोला है कि जो बैकलॉग है, जो प्रमोशन में हो चाहे और भी जगह पर है, उसको भी देख लिया जाए, और वो बैकलॉग को देख करके लोगों को आगे प्रमोशन SC ST के लोगों को दिया जाए, तो कहीं ना कहीं पिंच किया हुआ कोई बात, क्योंकि वो कर नहीं रहे थे, तो कहने लगे कि आपको बुझाता नहीं, आपको क्या जानते हैं, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए, हम पागल थे, मैंने ऐसे शब्दों का उन्होंने चयन किया, उस शब्द हम आपके सामने नहीं पहुंच सकते, तो दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य इस मायने में है कि जो जीतन राम मांझी का इतना बड़ा कैरियर है और अपने अंतिम पड़ाव पर नीतीश कुमार जी के प्रति उनकी हमेशा अच्छी बात रही है, संवेदना रही है, नीतीश कुमार से अच्छी ट्यूनिंग रही है। देखिए पार्टी और विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है और एक दूसरे से मिलाप होता है, वो हमेशा उनके साथ रहा है, लेकिन वो आहत हो गए अपने जीवन के अंत क्षणों में, आहत हुए और ये लगा कि हम गरीब हैं, हम दलित हैं, इसलिए ऐसा बोले हैं, अगर किसी दूसरे को बोलते आज लोग सड़क पर उतर के लाठी लेकर उनको साथ कितना अत्याचार होता, अन्याय होता, आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। हम तो अपने दलित भाइयों से कहेंगे कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अगर इतने बड़े पद पर रहे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता तो आपके साथ ऐसा हो सकता, अब सही समय आ गया है कि आप एक हो जाइए और विनायक हो जाइए, और विनायक होकर स्ट्राइक कीजिए, तभी आप गैस नहीं था। यादव ने उनके बचाव में कहा, इंसान और जानवर में ही फर्क होता, हम इंसान हैं, पढ़ लिख गए हैं तो हम अच्छी बातें बोलते हैं, अगर गांव में जाएंगे कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसी बातों को दूसरे तरीके से बोलते हैं तो आपको सुनने में खराब लग सकता है। इंसान है कि जानवर है कि उनको कपड़ा नहीं पहनते, आवरण उनके पास नहीं रहता, इंसान सही तरीके से रहते हैं, सही तरीके से बोलते हैं, क्योंकि सच्चाई सब चीज़ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूलों में दिया जा रहा है, हमारे टेक्स्ट बुक में है, लेकिन वो जो शब्दों का चयन और जिस हिसाब से वो एक्ट करके बता रहे थे, हम समझते हैं कहीं पर वो सही नहीं है, किसी समाज के लिए सही नहीं है, और अनकंफर्टेबल वहाँ पर सभी लोग महसूस कर रहे थे, तो इस चीज़ को वो समझना चाहिए उनको और वो समझ के बोलना चाहिए। लेकिन हम तो इस बात को भी पकता नहीं कि उन्होंने आकर के माफ़ी मांगा, इसका मतलब है कि उन्होंने स्वीकार किया कि हमने गलती की है, तो जब माफ़ी मांग लिया तो हमारा भी अब तक स्टेटमेंट सुने होंगे, जब उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो छोड़ दिया इस बातों को, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन इस तरह की बातें हुई, हमारे नेता, हमारे संरक्षक, हम लोग के गार्जियन को
तुम तड़ाप करने लगे तो लगा कि नीतीश कुमार वाकई में डिरेल्ड हो गए, लगता मानसिक संतुलन जो हम लोग समझ रहे थे अब खत्म हो चुका है। तो इस तरह के व्यक्ति के हाथों में बिहार सुरक्षित।